मन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT News 24। आज हम इस्लाम जिमखाना में वोटिंग अवेयरनेस के लिए आए हुए हैं, जहां पर बहुत सारे नेता आए हुए थे, बहुत ही अलग अलग प्रोफेशनल के लोग आए हुए हैं। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर साहब सोलकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहली बात ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि डॉक्टर्स भी आ रहे हैं अवेयरनेस के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो चुनाव 20 तारीख को होने वाला है, कितने लोग को अवेयर किया है आपने? अवेयर तो बहुत लोग को किया है और कोशिश भी कर रहे हैं कि और ज्यादा लोगों को करें। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक हिंदुस्तानी है और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी, अपने वतन के लिए हमारी ये जो ड्यूटी है कि हमको वोट करना है, सही लोगों को वोट करना है, सही पार्टी को वोट करना है, जोड़ने वाली पार्टी को हमको वोट करना है, तोड़ने वाली पार्टी को हमने वोट करना है, ये हमने डिसाइड किया प्रोफेशनल्स लोगों ने कि हमको ये चीज लेके आगे बढ़ना है, ना कि हमको नफरत, झगड़े, हमको अमन और शांति से रहना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने आपकी काफी रैलीज भी देखी हुई है, काफी कवरेज भी किया हुआ है। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहूंगी, इंडिया गुट बन जाने के बाद आज चुनाव चिन्ह का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप मशाल लेकर चल रहे हैं। 25 साल से लोगों के दिमाग में एक ही चुनाव चिन्ह है, उस मशाल को, उस चिन्ह से आपने चेंज कर पाए हैं क्या? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ये चेंज कर पाए हैं क्या, ये हमने नहीं चेंज किया है, ये आज वक्त और हालात ने लोगों को चेंज किया है कि उन लोग खुद होके, उन लोग हमको अभी सिखाएंगे और वो हमको बोलते हैं कि भाई आपने को मशाल को वोट देना है। तो लोगों में जो अवेयरनेस पैदा हुआ है, और आज की भी जो मीटिंग थी वो अवेयरनेस की थी, जागृति की थी, तो आज लोगों ने खुद होके अपने आप पे ठान लिया है कि हम लोग को नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, हमको वो अच्छा हिंदुस्तान चाहिए, हमको वो अमन वाला हिंदुस्तान चाहिए, हमको गंगा जमुनी तहजीब वाला हिंदुस्तान चाहिए, ना कि बंटवारे वाला हिंदुस्तान चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही पावरफुल आपका स्पीच रहा है डॉक्टर साहब। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, ये जो इंडिया गुट बना हुआ है, अलग अलग सरकार जुड़कर एक गुट बनाई है, इसका फायदा हमको कैसे होगा? वायदे तो चुनाव के वक्त बहुत सारे लोग कर जाते हैं, लेकिन उन वायदे को जब निभाने का वक्त आता है तब पीछे हट जाते हैं, उस वक्त के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, हमने ये जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है, ये एक विचारधारा लेके चल रही है। इनकी आइडियोलॉजी जो है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि हमको नफरत की राजनीति हटानी है। तो सब पार्टीज ने ये डिसाइड किया है कि आज हमको नफरत वाली पार्टी जो इस मुल्क में 10 साल से राज कर रही है और नफरत फैला रही है, पहले हम उसको हटा दे, वो पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। उसके बाद जो छोटे छोटे जो दूसरे मसले रहेंगे उसके ऊपर भी बैठकर हल निकाला जा सकता है, और इंशाल्लाह निकालेंगे हम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे जो लोग, हमारी जो जनता आपको देख रही है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं आप लोग से यही एक अपील करूंगा कि हमारा वतन हिंदुस्तान बहुत बहुत प्यारा वतन है, इसे टूटने मत देना, हर वोट जरूरी है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सही उम्मीदवार को चुने, सही पार्टी को चुने, और अपना वोट जाया ना होने दे। ये आपका वतन है और हर वोट इंपॉर्टेंट है, इतना समझ के चलिए। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर साहब जो इंडिया गुट के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं भी आपसे एक अपील करना चाहूंगी, आने वाली 20 तारीख को अपने घरों से निकले और अपना चुनाव सही इंसान को दें। सर, आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है, लेकिन यकीनन ये अपील हम दोनों करेंगे कि घरों से कम निकले और वोट दें। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने बहुत ही पावरफुल स्पीच दी है, जी हाँ, इनका अपील जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए हमारे जरिए, ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले और 20 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट जरूर दे। उसके साथ आज और अभी के लिए बस इतना ही। मुंबई और मुंबई के आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए TWT News 24। नमस्कार।